गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। तो अभी बज रहे हैं 6:30, मैं उठी हूँ, एक घंटा हो गया मुझे उठे हुए। तो बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं? चलते हैं अपने किचन में, हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता बनाते हैं। और मैं नाश्ते में पोहा बनाने वाली हूँ। थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग करनी है, नीचे जो अलमारी है उनकी क्लीन करनी है मुझे। तो ऐसे ही है मेरा रूटीन। मैं कभी ना कभी, मतलब हफ्ते में एक आध खोना ऐसे ही चुन लेती हूँ जहाँ मुझे सफाई करनी होती है। तो चलते हैं फिर नाश्ता बनाते हैं। ये जो यहाँ से और उस सिलेंडर तक का जो नीचे की अलमेरा है, ये 2-3 भागों में डिवाइड है, पर अंदर से सेम है। अंदर से देख सकते हैं, ये अंदर से पूरी सेम है। अंदर से कोई इसमें पार्टीशन नहीं दिया गया है, तो मुझे सामान सारा ऐसे ही रखना पड़ता है। तो मुझे यही क्लीन करना था। इसमें कॉकरोच और ऊपर मकड़ी भी लगी हुई हैं। और आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ पोहा। काफ़ी दिन से रखा हुआ है, सोच रही हूँ, मूंगफली तो नहीं है मेरे पास, पर मैं आज आलू और प्याज का पोहा बनाने वाली हूँ। ऑलमोस्ट मेरी किचन भी क्लीन है, तो शाम को मैंने क्लीन नहीं किया था। किचन को मैंने अभी सुबह ही क्लीन किया था पूरा, तो किचन मेरी बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लीन है। पर यह है कि पूरी जो मेरी सिंक है ना, चारों तरफ से ना इसमें से पानी टपकता है। तो इसको रोकने के लिए मुझे पहले मैंने इसमें वाइट सीमेंट लगाया था, चारों तरफ देख सकते हैं ये थोड़ा लगा हुआ है, तो इसमें वाइट सीमेंट नहीं काम किया। तो दोबारा से इसके जो पानी है हम बर्तन धोते हैं, वो सारा यहाँ पे नीचे जाके भरा हो जाता है। देख सकते हैं ये ऐसा हो गया है, इसको मुझे साफ़ करना है। तो ये जो मैंने यहाँ साइड में ही सीमेंट का काम हो रहा था, तो वहाँ से मैंने मंगाया था हस्बैंड से, पर इसमें इतना पूरा पक्का सीमेंट नहीं है, इसमें रोड़ी और रेत ज़्यादा है, ये भी मुझे लग रहा काम नहीं करेगा। पर मैंने काम चलाऊ इसमें लगा दिया है, देख सकते हैं यहाँ से मैंने पूरा यहाँ तक लगा दिया है। थोड़ा बहुत पानी रुक जाएगा, नहीं तो इसके ऊपर सीमेंट का घोल डालना पड़ेगा। तो नाश्ता भी हो गया है हमारा और घर की क्लीनिंग भी हो गई है, तो बस मुझे किचन साफ़ करना है। वैसे भी काउंटर टॉप भी साफ़ ही है, बस इसमें इतनी कोई ख़ास धूल नहीं है। बस मुझे एक दिन कॉकरोच दिख गया है, बस उसी को ढूंढ रही हूँ मैं, और मकड़ी हैं थोड़ी बहुत, जाले हैं। तो मैंने सामान बाहर निकाल लिया है, और सामान निकालते ही जिनको मैं ढूंढ रही थी कई दिनों से, आज वो मिल गए हैं। और मुझे देखते ही बहुत डर लगता है, खासकर मुझे मूंछों से डर लगता है, देख सकते हैं कैसे घुमा रहे हैं। तो मैंने सारा सामान निकाल लिया है और अच्छे से अंदर एक आई थिंक मेरे यहाँ इसको जामुनी कलर बोलते हैं, तो जामुनी कलर की पॉलिथीन है, प्लास्टिक है, जिसको मैंने पूरे अलमारी के अंदर बिछा के साफ़ करके इसके अंदर, और सभी सामानों को अच्छे से पोछ के कपड़े से साफ़ करके सेट कर दिया है। और हमें 15-20 दिन में साफ़ करना भी चाहिए, क्योंकि कई सामान ऐसे होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, हमें ध्यान भी नहीं होता है वो कहाँ रखे हुए हैं, और मिलते भी नहीं हैं, और हम इसको यूज भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें इसे 15-20 दिन में साफ़ करना चाहिए, जो हमें सामान मिल जाते हैं और हम यूज कर लेते हैं। ये कप का सेट है, काफ़ी फेवरेट है मेरा। इसमें छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं, ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, और इसके साथ प्लेट भी है, तो काफ़ी सुंदर है। और ऐसे ही अब रखा रहता है, यूज में तो नहीं आता है। तो मैंने सबको अच्छे से साफ़ करके, क्लीन करके, सूखे और गीले कपड़े से मैंने इसमें अलमारी में सेट कर दिया है, और बिल्कुल अब साफ हो चुकी है। सफाई करते समय कुछ बर्तन हैं जो काफ़ी दिन से रखे हुए थे, मैंने बाहर निकाल लिया है, उनको वॉश कर लिया है यूज करने के लिए, और कुछ यूज नहीं करना है। जिनको मुझे चेंज करके दूसरे लाने हैं, क्योंकि वो टूट गए हैं, और टूटे हुए बर्तन वैसे भी नहीं रखना चाहिए घर में।
टूटी हुई कोई भी सामान नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने जो यूज करना है उन बर्तनों को अच्छे से वॉश करके मैंने रैंक में लगा दिया है, और ये चम्मच और करछी का स्टैंड है इसको भी अच्छे से वॉश कर दिया है। मैंने किचन भी क्लीन कर ली है, और हमें काम के साथ साथ ही क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि किचन भी अच्छे से मैं साबुन से डेली हाथ के हाथ ही साफ़ करती हूँ, नहीं तो काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है जो साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो जब भी आप बर्तन धोते हैं, जब भी आप किचन साफ़ करते हैं, वैसे ही आप किचन की सिंक को भी क्लीन कीजिए, हमेशा चमकती हुई और साफ़ सुथरी बनी रहेगी और अच्छा भी लगता है। तो किचन भी क्लीन हो गई है और बर्तन भी मैंने स्टैंड में लगा दिया है, सभी बर्तनों को वॉश करके, और काफ़ी अच्छा लग रहा है सफाई करके। उसके बाद मैंने लंच में बनाया है चावल और कढ़ी, जो काफ़ी पसंद करते हैं मेरे घर में, और मैंने पकोड़े वाली कढ़ी नहीं बनाई है, सिंपल कढ़ी बनाई थी चौंक लगा के और कढ़ी चावल। तो आज हमारे लंच में यही होने वाला है, कढ़ी चावल, तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ऑलमोस्ट सभी के घर में कढ़ी चावल बनते होंगे और सभी के फेवरेट हैं, तो मेरे भी फेवरेट हैं। और उसके बाद शाम को ये एक टोकरी है जिसमें फ्लावर लगा हुआ है, और सूखे फ्लावर और पत्तियाँ थी कि इकट्ठी हो गई थी, जो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इनको कट करके साफ़ और क्लीन कर दिया है और पानी डाल दिया है, तो ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद हस्बैंड धनिया लेके आए थे, तो गर्मी में धनिया थोड़ी सी छोटी छोटी और सूखी होती हैं, तो लेके आए थे और जल्दी से मिलती भी नहीं है, तो इसमें मैंने सूखे पत्ती और गंदगी जो भी थी वो अच्छे से साफ़ करके मैंने इसमें अखबार में रेप करके रख दिया है। तो मैं इसे कई दिन तक अच्छे से यूज करूँगी और इसके अंदर फ्रेश बनी रहेंगी, तो सूखेंगी भी नहीं और कई दिन तक मैं इसको यूज कर पाऊँगी, और पन्नी के अंदर रेप करके रख दूँगी, ताज़ी और फ्रेश बनी रहेंगी। उसके बाद शाम हो गई है, तो यहाँ पर बेटी की फरमाइश शुरू हो गई है, और ये रखे हुए हैं थोड़े से, ये होली के ही रखे हुए थे, तो कई दिन से कह रही है मम्मी इनको फ्राई कर दीजिए, तो वही मैं फ्राई कर रही हूँ। और आई थिंक मेरे हिसाब से शाम का 5 और 6 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि दिन तो बड़ा होता है, धूप भी बहुत होती है, 7 बजे तक तो दिन ऐसे ही रहता है। और आज 2-3 दिन से शाम को बहुत ज़्यादा आंधी आती है, बारिश नहीं होती, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, और देख सकते हैं अभी भी हवा चल रही है और बादल हो रहे हैं, और लग रहा है थोड़ी बहुत बारिश होगी, तो मौसम ऐसे ही हो रहा है। तो मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, सर दर्द हो रहा था तो चाय से थोड़ा आराम मिल जाता है। और यहाँ पे ये थोड़ी सी फ्राई करूंगी, तो एक दो में भी ले लूंगी, और बच्ची इसी को खाने वाली है, उसके ये फेवरेट है, तो ये निकाल रही हूँ मैं तेल में, और तेल में डालते ही बहुत जल्दी निकल के आ जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं, नमक भी होता है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो, और आई थिंक आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।